नमस्कार। आज का हमारा पाठ है टोपी शुक्ला और इस पाठ के आज हम वन लाइनर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, टोपी शुक्ला कहानी का लेखक कौन है? तो इसमें राही मासूम रजा ये लेखक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, टोपी को बचपन में कहाँ से प्यार मिलता था? तो अपने मित्र की दादी माँ से और अपने परिवार की नौकरानी से, दोनों से उसे बचपन में प्यार मिलता था, इसलिए यहाँ पर जो है सही जवाब ऑप्शन सी है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, टोपी का पहला मित्र कौन था? इफन नाम है उसका, तो उसका पहला मित्र जो है इफन है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। उसके बाद प्रश्न आता है, किसके पास रहते हुए टोपी स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता था? तो इफन के पास रहते हुए वह अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टोपी कौन सी कक्षा में दो बार फेल हुआ था? 9वीं कक्षा में वह दो बार फेल हुआ था 9th क्लास में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है, टोपी की किस बात से घर में बबाल खड़ा हो गया था? तो यहाँ पर माताजी को वो अम्मी बुला देता था, तो इसलिए उसकी इस बात पर यहाँ बबाल खड़ा हो गया था उसके घर में, तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। प्रश्न आता है, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। पहला कारण था कि वह खुली हवा में सांस लेना चाहते थे, दूसरा था दूध दही और घी खाने के लिए, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न आता है कि टोपी शुक्ल पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पर आपको पता ही है टोपी जो है यहाँ पर मुख्य पात्र है। सबसे मुख्य बात किसकी की गई है इस कहानी में? टोपी की, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, टोपी शुक्ला पाठ का मूल भाव क्या है? बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन दर्शाना इस कहानी की मुख्य है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, टोपी को अपनी दादी सुभद्रा अच्छी क्यों नहीं लगती? उसे क्यों नहीं अच्छी लगती हैं वो? क्योंकि वो डांटती रहती है। प्रश्न आता है, उर्दू और हिंदी कौन सी भाषा के दो नाम हैं? हिंदवी भाषा के दो नाम हैं। फिर से क्वेश्चन आता है कि टोपी खुद को भरे पूरे घर में अकेला क्यों समझता है? पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि सही जवाब है सी ऑप्शन, क्योंकि उसे सब उसको डांटते हैं और मुन्नी बाबूजी और भैरव भी सबको उसके विरुद्ध भड़काते हैं, तो ये दोनों कारण हैं कि वो अपने आप को घर में अकेला समझता है। कौन दोनों दूध देने वाले गाय चराते थे? पैगंबर मोहम्मद और अवतार श्री कृष्ण। प्रश्न आ जाता है, लेखक नामों के चक्कर को अजीब क्यों मानता है? क्योंकि नाम से किसी का स्वरूप नहीं बदलता है। स्वरूप यानी उसका जो रूप है अपना, वो नहीं बदलता है। मरते समय इफन की दादी को अपना मायका क्यों याद आ रहा था? इसका सही जवाब है, अपनी खूबसूरत यादों और वहाँ बिताए अच्छे समय के कारण। उसके बाद प्रश्न आ रहा है, इफन और टोपी अलग अलग धर्म के थे फिर भी एक थे, ऐसा क्यों?
क्योंकि वे धर्म को नहीं मानते थे, वे प्यार को मानते थे। ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न आ जाता है, कहानी कहते हुए इफन की दादी ऐसा क्यों कहती थी कि आँखों की देखी नहीं कहती? क्योंकि कहानियाँ सुनी हुई थी और कहानियाँ देखी नहीं थी, इसलिए दोनों ही कारण थे। तो ये वाला जवाब जो है सही है। प्रश्न आ जाता है, लेखक के अनुसार आपस में प्यार कब पनपता है? जब विचार मिलते हों, यानी कि यहाँ पर ये जवाब सही है। फिर प्रश्न आ जाता है कि टोपी प्यार की चाहत में इधर उधर क्यों भटकता रहता था? उसके परिवार से उसे प्यार नहीं मिलता था, इसलिए वह इधर उधर भटकता रहता था। प्रश्न आ जाता है, परिवार का आधार क्या होता है? तो यहाँ पर विश्वास और प्यार जो है परिवार का आधार होते हैं। प्रश्न आता है, किसके पिताजी हिंदुस्तान में पैदा होने वाले पहले बच्चे थे? इफन के। प्रश्न आता है, तोफी इफन से क्या कहता है? दादी बदलने को कहता है वह। प्रश्न आता है, इफन टोपी को क्या कहता? वो कहता कि टोपी की दादी बूढ़ी है, जल्दी मर जाएगी। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कबाब किसने खाए थे? टोपी के भाई मुन्नी बाबू ने कबाब खाए थे। किसके पिता का तबादला हो गया? तबादला क्या होता है? ट्रांसफ़र। तो इफन के पिता का तबादला हुआ था। टोपी ने क्या कसम खाई? किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदली वाली हो, यानी तबादला जिनका होता हो उससे कभी भी दोस्ती नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद हमारा प्रश्न आ जाएगा, किसके जाने के बाद टोपी अकेला हो गया? इफन के जाने के बाद अकेला हो गया था वह, और वह चाहता भी नहीं था कि जिनकी बदली हो उनके बच्चों से दोस्ती करे। उसके बाद इफन की दादी शादी में गीत क्यों नहीं गा पाई? इफन के दादा के कारण वह शादी में गीत नहीं गा पाई। टोपी ने नौवीं कक्षा में कौन सी श्रेणी जो थी प्राप्त की थी? तीसरी श्रेणी उसकी आई थी नाइन्थ क्लास में। टोपी के पास होने पर उसकी दादी ने क्या कहा? दादी ने तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास तो हो गए हो, ये कहा उसको। तो ये हमारे टोपी शुक्ला के प्रश्न थे।